इन दिस सेक्शन आई विल बी टॉकिंग अबाउट द वेरियस रिस्क दैट द फर्म्स फेस सो फर्म्स को बहुत से मुख्तफ तरह के रिस्क फेस करने पड़ते हैं क्योंकि वहाँ मुख्तलिफ़ तरह के डिसशंस होती हैं ढेर सारी इन्वेस्टमेंट्स लगे हुए होते इनकोर करे हुए होते हैं और जब डिफरेंट तरह की फाइनेंशियल डिसीशन मेकिंग हो रही है इकनॉमिक डिसीशन हो रही हैं Uh, मुख्तलिफ तरह की एसेट्स परचेज हो रही हैं सेल हो रही हैं तो उसमें बहुत से मुख्तलिफ तरह के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं और वो रिस्क बियर करने पड़ते हैं फर्म्स को तो इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर प्लानिंग फॉर रिस्क मैनेजमेंट द फर्म्स आर रिक्वायर टू हैव अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉसिबल रिस्क दैट दे कैन फेस इन फ्यूचर सो उसका एक प्रॉपर वाला अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रिस्क की वजह से हो सकता है कि कोई भी फॉर्म्स को रिस्क लेने की वजह से हो सकता है कि कोई भी फॉर्म्स को नुकसान हो जाए या हमने देखा कि बिज़नेस सेक्टर के अंदर बहुत सी ऐसे वाक्यात हुए जिसकी वजह से बिजनेस रिस्क डिसीशन मेकिंग की वजह से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए तो इसलिए it is important to have a better understanding of the various types of risks to which a business entity is subject to koi bhi ya exposed to aur uske liye jo bhi unke main decision maker hain jaise ceos hain ya jo managers hain ya board of governor hai वो अपने जो policies बनाते हैं या decision making करते हैं उसमें इन particular चीज़ों को ज़रूर अंदाज़ा लगाया जाता है कि किस तरह से कि कौन कौन से पॉसिबल इस पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी को किस किस की तरह तरह के रिस्क फेस uh, करने पड़ सकते हैं और उसको फिर वो मैनेज कैसे करेंगे और बाकायदा जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ रिस्क मैनेजमेंट का बाकायदा एक सेक्शन um, बनाया जाता है डिपार्टमेंट बनाया जाता है जिसका काम होता है कि वो रिस्क को आइडेंटिफाई करे एसेस करें एनालाइज करे और उसको मैनेज करने के स्ट्रेटजीज बनाए ताकि रिस्क की जो पॉसिबिलिटीज हैं उनसे जो नुकसान है वो उसका इम्पैक्ट कम अज कम किया जा सके तो देर आर फाइव डिफरेंट टाइप्स और कैटेगरीज ऑफ रिस्क टू विच द फर्म्स और द बिजनेस सेक्टर इज एक्सपोज टू द फर्स्ट वन इज द फिजिकल रिस्क फिजिकल रिस्क का क्या मतलब है कि फैक्ट्री को आग लग गई जलजिला आ गया बिल्डिंग गिर गई इस तरह के कोई भी मसाइल हो सकते हैं चोरी हो गई दिस कुड बी द फिजिकल रिस्क फिर हमारे पास है लोकेशन रिस्क तो वी नो के तमाम जो सिचुएशंस तमाम जो जोग्राफिकल लोकेशन हैं मुख्तलिफ तरह के बिजनेस डिफरेंट जगहों पर लोकेट करते हैं तो हर जगह जो है वो हंड्रेड परसेंट एस्पेक्ट से सेफ नहीं होती तो देर में भी सर्टन पॉसिबिलिटीज वी आर गोइ टू डिस्कस ईच ऑफ दैम इन डिटेल बट सिम्पली आई एम जस्ट गोइ टू डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन दीज डिट टाइप्स ऑफ रिस्क सो so, लोकेलिटी की लोकेशन की वजह से जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से देर कैन बी सर्टन रिस्क दैट आर दैट अ फर्म कैन एक्सपीरियंस तो उनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है फिर हमारे पास ह्यूमन रिस्क है ह्यूमन रिस्क का मतलब है कि चूंकि तमाम लोग एक तरह के नहीं होते को, कोई बहुत ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड हैं कोई लोग इंट्रोवर्ट्स हैं कोई एक्सट्रोवर्ट्स हैं कोई कोई बहुत कोई लड़ाई करना शुरू कर देते हैं लोग तो इस तरह से कोई भी आपके जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है या फर्म का जो एनवायरनमेंट है या जो काम करने का एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब हो सकता है तो दिस कुड बी द इस तरह से उनमें कोई बीमारी आ सकती है डिसेबिलिटीज आ सकते हैं तो दिज आर द ह्यूमन रिस्क टू विच द फर्म्स कैन बी एक्सपोज टू और चौथी जो चीज़ है दैट इज़ द टेक्नोलॉजी रिस्क टेक्नोलॉजी का रिस्क का मतलब है के जो आपके टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजी बेस्ड जो डिवाइसिस हैं उनमें कोई टेक्निकल फ्लॉ आ जाए या उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाए या एक और भी मसला हो सकता है कि जो टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऑप्सलीट हो गई है और हो सकता है उसमें ह्यूमन एरर आ गई है उसको उसमें को खराबी आ गई थी क्योंकि उसको चलाना नहीं आ रहा लोगों को तो वो अब आपके लिए न, न, किसी काम की नहीं है तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता तो दी दीज टाइप्स ऑफ रिस्क कैन बी क्लब टूगेदर एंड टर्म डेक्नोलॉजी फिर हमारे पास स्ट्रैटेजी रिस्क है स्ट्रैटेजी इसका मतलब है कि जो डिसीशन मेकर है फर्म का जिसने भी डिसीजन मेकिंग की भी है मैनेजर हो सकता है या किसी भी डिपार्टमेंट का हेड है उसने जो स्ट्रैटेजीज बनाई है कि हम जो गुड्स हैं या सर्विसेज गुड्स प्रोड्यूस करने वाले हैं या सर्विसेज रेंडर करने के के लिए जो हम तरीका फॉलो करेंगे या इसके जी लिए जो हम प्रोडक्शन की प्रोसेस इस्तेमाल करने वाले हैं वो ये फला तरह की होगी तो देर मे बी सर्टन रिस्क दैट कैन बी फेस बिकॉज ऑफ फॉलोइंग दैट प्रोसीजर वो स्ट्रेटजी को फॉलो करने से जो रिस्क आ सकते हैं उनको हम स्ट्रेटजी रिस्क बोलते हैं तो दीज आर द फाइव मेन कैटेगरीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क दैट A firm faces or a business entity faces. So, in order to have a very comprehensive and effective risk management, we need to identify the various types of risks and then we have, we have to analyze how these different types of risks can affect our business in order to come up with the ways or the strategies or the policies through which the negative effect of different types of risks can be reduced.